नमस्कार। काल का सुसमाचार में यीशु हमें बता रहा है कि पहले में काल को सुसमाचार का संदेश देने के लिए यह विषय आपको शेयर करना चाहिए। हिंदी भाषा अच्छा है पढ़ने के लिए, जानने के लिए, जान ले हर रोज पढ़ने के लिए, बात करने के लिए, हिंदी में सोच करने के लिए, हिंदी में सुसमाचार का संदेश देने के लिए अच्छा है। इसलिए मैं हर रोज कोशिश करता हूँ हिंदी पढ़ने के लिए, बात करने के लिए। हर रोज एक वीडियो मैं बन रहा हूँ। इसलिए कल का सुसमाचार में यीशु हमें बता रहा है कि यह सब कहने के बाद ईसा अपनी आँखें ऊपर उठा कर बोले, पिता वह घड़ी आ गई है, अपने पुत्र को महिमान्वित करे जिसे पुत्र तेरी महिमा प्रकट करे, जिसे पुत्र तेरी महिमा प्रकट करे। पिता ने यीशु को सब आत्मी पर अधिकार दिया था। इसलिए यीशु का काम क्या है? सब आत्मी को आनंद जीवन प्रदान करें। यह काम यीशु हाथ में है। आनंद जीवन सब लोग कैसे मिलेगा? यह जैसे मिलेगा, सब लोग पिता एक ही सच्चे पिता को और ईसा मसीह को जिसे पिता ने भेजा जान लें, पिता और पुत्र को जान लें। यही आनंद जीवन है उन लोगों को, तुम आपको और मुझे आनंद जीवन मिलने के लिए पिता और पुत्र को जान लेना चाहिए। यह संदेश कल का सुसमाचार में हमको यीशु दे रहा है, यह भी दे रहा है यह संदेश भी। पिता ने यीशु को कुछ काम करने के लिए उसको दे दिया है कुछ काम। यह सब काम पूरा यीशु पृथ्वी पर किया है। इस तरह यीशु ने पृथ्वी पर उसकी महिमा प्रकट की है। किसकी महिमा? पिता की महिमा प्रकट ही है। पिता का काम पिता का महिमा प्रकट की है। इसलिए यीशु ने हमको बता रहा है कि यीशु और पिता को बारे में जान लेना चाहिए हर रोज। कैसे? पवित्र बाइबल पढ़ाइए, यीशु को सामने बैठाइए,
पहले मैंने यह कहा था यह संदेश कहा था। इसलिए हर रोज कोशिश करो पढ़ने के लिए। यह झरनी है, झरनी यह रास्ता है। यह रास्ता हमारा हृदय में है। हृदय में क्या है? यीशु और भगवान को बात करने के लिए हमारा हृदय से रास्ता है, हृदय से रास्ता है। यह रास्ता मिलने के लिए ज़रूरत है, मिलने के लिए आवश्यकता है। कैसे मिलेगा यह रास्ता? बैठिए, आराम से बैठिए, यीशु के सामने बैठिए, प्रार्थना करो उसको। इसलिए आपको हर रोज़ यीशु आशीर्वाद देगा और यह रास्ता वह यीशु के पास लेने के लिए यह रास्ता आप मिलेगा। कोशिश करो। शुक्रिया।